हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे क्रूड ऑयल के फ्यूचर से, वहाँ पर करेंगे मार्केट में किस तरह ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है किस तरह का प्राइस मोमेंटम बनाना है, यहाँ पर नया ट्रेड जो है किस तरह बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली बेसिस के आसे कल हमने आपको जिस तरह बताया था, जो इंट्राडे लेवल था वो तो ब्रेक हुआ ही है, बट उसके साथ साथ में यहाँ पर जो होल एक अच्छे से टाइम पीरियड का यहाँ पर हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिला था, वो भी यहाँ पर हमें जो है टारगेट मोटा मोटी अच्छी होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर अभी भी जो है डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे जो नेगेटिव ट्रेंड में जो है यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर हमें जो है क्रूड ऑयल के अंदर जो है देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना है, यहाँ से फिर से जो है एक थोड़ी बहुत तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिली है। सो यहाँ पर डेफिनेटली फॉर अ टाइम बीइंग अगर यहाँ पर नई पोजीशन बनानी भी है तो यहाँ पर बिलो द प्राइस ऑफ 6350 के नीचे अगर यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के लिए फॉर अ टाइमिंग आपको यहाँ पर हॉल्ट ही देना चाहिए कि यहाँ पर जो है सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। बट फिर भी यहाँ पर अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन के लिए 6480 के प्राइस बैंड के ऊपर यहाँ पर जो है अगर कैंडल जाना स्टार्ट करती है देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।